दीजा इन्फिनिक्स GT 20 Pro स्पेशल गेमिंग फोन। तो चलो आ जाओ इसे अनबॉक्स करते हैं और करते हैं इसका गेमिंग टेस्ट। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा नाम रॉक गेमर है, तो थैंक यू इन्फिनिक्स एंड मेविस। और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक केस जो कि काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है और जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमको देखने के लिए मिल जाता है उसके अंदर गेमिंग ट्रिगर्स। भाई अच्छी बात है, इस बॉक्स के अंदर हमको गेमिंग ट्रिगर और इसके अंदर GT की ब्रांडिंग दी गई है। सो काफ़ी अच्छा है और गुड है लुकिंग नाउ, तो ये भी काफ़ी अच्छी है, उनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। एक और बॉक्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे हमको एक गेमिंग फैन जो कि GT की ब्रांडिंग के साथ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसी साथ हमको देखने के लिए मिल जाता है गेमिंग स्लिप्स जो कि और भी ज्यादा अच्छे हैं देखने में। तो चलो इन सबको हम साइड में करते हैं। और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है हमारा फोन। मैं आपको बता दूं ये गेमिंग किट है जो कि सिर्फ हम क्रिएटर को दी गई है, आपको सिर्फ इस तरीके का एक गेमिंग फोन दिया जाएगा जो कि कुछ इस तरीके है। तो चलो इन सब चीजों को साइड में करते हैं और करते हैं अब इस फोन को अनबॉक्स। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा गेमिंग एडिक्शन वाला फोन है, यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। तो चलो इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा है मुझे ओपन करते टाइम में। तो देखो यहाँ पे भाई इन्हें जो पैकिंग दी गई है ना भाई, वो कसम से एक अलग ही टाइप की कुछ पैकिंग है। अभी देखो यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे ओपन करने के बाद ये कुछ पेपर टाइप का लग रहा है। वाओ क्या पैकिंग लग रही है। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स निकलता है और यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू द GT वर्ल्ड। ओ वाओ क्या पैकिंग इन्होंने बहुत ज्यादा शानदार की हुई है, एक गेमिंग की तरह, मतलब समझ लो गेमर्स के लिए काफी है ना बेस्ट फोन होने वाला है ये। तो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है एक बॉक्स। इसके अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएगा हमारे सबसे पहले एक सिम इजेक्टर टूल GT की ब्रांडिंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है और सही भी है। भाई GT की ब्रांडिंग है यार, सिम इंजेक्टर टूल। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस देखने के लिए मिल जाएंगे। और भाई इसके अंदर क्या है, मैंने तो देखा नहीं है क्या है इसके अंदर। और भाई इसके अंदर मेरे साथ हाँ, इसके अंदर हमको स्क्रीन गार्ड देखने के लिए मिल जाता है। सो नाइस लुकिंग, वाओ अच्छी बात है। और भाई एक अच्छी क्वालिटी का लग रहा है ये, मुझे हैवी क्वालिटी है इसकी, तो बहुत अच्छी बात है कि इन्फिनिक्स वालों ने ये दिया है, वरना और भी ब्रांड तो देते नहीं है। और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है एक मैक का भाई कवर केस कह सकते हैं, मैक का केस है यहाँ पे, इन्होंने इसको नाम दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी है, वेरी नाइस देखने के लिए मिल जाता है हमारा फ़ोन। तो चलो पहले फ़ोन को जरा देखते हैं कैसा है फ़ोन। ओ वाओ भाई साहब क्या डिज़ाइन है इस फ़ोन का, आप लोग डिज़ाइन देख सकते हो कितना अच्छा डिज़ाइन है, आउट लुकिंग भी ये फोन कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो इसे एक मिनट साइड में करते हैं और फिर अपन लोग देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर हमें क्या दिया गया है। तो चलो सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं इसके अंदर और क्या है। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है एक 45 वोल्ट का अडैप्टर जो कि काफी ठीक ठाक है, हमको फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है भाई, इसके अंदर हमको USB केबल देखने को मिल जाती है। हमको ये क्या Type-A to Type-C डाटा केबल है, तो अच्छी बात है चार्जिंग के लिए, बट ये कोई नॉर्मल नहीं है, हमको L टाइप में देखने के लिए मिल जाती है, जिससे हमें गेमिंग करते टाइम में अगर हम लोग फ़ोन को चार्ज करते हैं तो हमको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके साथ हमको इस फ़ोन के अंदर एक और चीज़ देखने के लिए मिल जाती है भाई, ईयरफोन भी है भाई इस फ़ोन के अंदर। आप लोग देखो भाई यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है इस फ़ोन के अंदर ईयरफोन, जो कि Type-C2 ईयरफोन है। इसके अंदर हमको 3.5mm का जैक देखने के लिए नहीं मिलता, तो काफी अच्छी है। तो चलो अब बात करते हैं इस फोन के बारे में। इस फोन का डिजाइन भी आपको काफी है ना यूनिक देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे इन्फिनिक्स ने नाम दिया हुआ है साइबर मेका डिजाइन, जो देखने में भी काफी है ना अच्छा लगता है। अगर आप इस फोन को बाहर लेके जाओगे तो लोग आपसे पूछेंगे भाई कौन सा फोन है, क्योंकि डिजाइन थोड़ा यूनिक है, तो देखने में भी काफी है ना अच्छा लगता है। और यहाँ पे इन्फिनिक्स ने काम भी किया है। बात करते हैं पोर्ट्स एंड बटन के बारे में, तो आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाता है स्पीकर जो कि JBL की ब्रांडिंग के साथ, और एक IR ब्लास्टर और एक माइक देखने के लिए मिल जाता है। और राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर बटन और ऑन ऑफ देखने के लिए मिल जाते हैं। और बॉटम में आपको सिम ट्रे और टाइप सी और एक माइक और JBL की ब्रांडिंग के साथ स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। जो और लेफ्ट हैंड साइड में तो भाई कुछ भी नहीं है। और इस फोन के अंदर आपको 6.70 इंच की FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, वो भी 144Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। और इस फोन के बेजल और चिन वगैरह बहुत ज्यादा कम है, और डिस्प्ले की सैचुएशन एंड कलर वगैरह काफी है ना अच्छे, और कंटेंट वॉच करने में ये डिस्प्ले काफी है ना अच्छी है, क्योंकि इन्फिनिक्स ने यहाँ पे काम किया, तो डिस्प्ले काफी है ना अच्छी लगी मुझे इस फोन की। अगर मल्टीमीडिया की बात करूं तो इस फोन के अंदर 12 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं विद JBL साउंड के साथ, जो कि काफी है ना लाउड भी है। और ये फोन आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 अनलिमिटेड के साथ, जो कि 4nm पर बेस्ड है ये चिपसेट, और ये चिपसेट काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर बात करूं अंतु स्कोर की, तो इस फोन के अंदर आपको 9 लाख से भी ज्यादा अंतु स्कोर देखने के लिए मिलता है, और ये एक पावर एफिशिएंट फोन है। इसके अंदर आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। और इस फोन के अंदर आपको LPDDR5X रैम देखने के लिए मिल जाती है, और UFS 3.1 की स्टोरेज देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा फास्टर है। और 5mAh की बैटरी मिल जाती है एंड 45
वॉट हाइपर फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ 25,000 तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन बिकॉज क्योंकि जब हम BGMI खेलते हैं तो BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम एंड 90 FPS का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। COD के अंदर भी आपको 90 FPS देखने के लिए मिल जाएंगे और फ्री फायर के अंदर भी आपको 90 FPS देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि काफ़ी है। और मैंने इस फोन के अंदर लगातार गेमिंग की है 3 घंटे तो मैंने देखा कि भाई ये फोन बिल्कुल भी हीट नहीं होता क्योंकि इस फोन के अंदर इन्वॉल्विंग कूलिंग सिस्टम है जो कि इस फोन को ज्यादा हीट होने नहीं देता है। और इस फोन के अंदर हमने जेंशन इंपैक्ट खेला जो कि एक 30 GB का गेम है और हमने देखा कि इस फोन के अंदर ज्यादा FPS ड्रॉप नहीं होती क्योंकि ये फोन एक डुअल चिपसेट स्मार्टफोन है और इस फोन के अंदर एक डेडिकेटेड डिस्प्ले चिप हमें देखने के लिए मिलती है जो कि क्या करती है जैसे हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं तो हमारे FPS को बूस्ट कर देती है, हमारे FPS को ड्रॉप नहीं होने देती और ये इस फोन का एक किलर फीचर है जो कि काफी अच्छा है और ये हमें और भी फोनों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता क्योंकि गेमिंग करते टाइम हमारे FPS बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होते तो ये काफी अच्छी बात है इस फोन। और आपको इस फोन के अंदर बिल्कुल क्लीन OS मिलता है, इस फोन के अंदर ना कोई ब्लॉटवेयर है ना कोई एड्स है और ना ही कोई फालतू के एप्स इनके अंदर 32 एप्स है जो कि आप इनमें से कुछ और तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो जो कि अच्छे है। और इसके अंदर XOS 4 GT है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आपको एंड्रॉइड 14 पे मिलेगा और 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिलेंगे। और इस फोन के अंदर आपको एक ई-स्पोर्ट मोड देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप ई-स्पोर्ट मोड को एनेबल कर देते हो जब आप गेम वगैरह खेलते हो तो आपके मैसेजेस कॉल वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो जाएंगे। ये डेडिकेटेड एक ई-स्पोर्ट मोड है, जैसे अभी मैं गेम खेल रहा हूं, गेम खेलते टाइम कोई भी डिस्टर्ब ना करे तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो ये भी काफी अच्छी बात है क्योंकि एक डेडिकेटेड गेमिंग फोन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आप टूर्नामेंट वगैरह खेल रहे हो तो आपको मान लो भाई किसी का कॉल आ गया मैसेज आ गया तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप ई-स्पोर्ट मोड को ऑन कर दो फिर आपके कॉल मैसेजेस वगैरह सब कुछ ब्लॉक हो जाएंगे। और इसी तरह इस फोन के अंदर बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर ओवरऑल मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं गेमिंग का तो ये फोन गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। जब मैंने इस फोन के अंदर गेम खेला तो मैंने काफी हद तक गेम खेला, मतलब जैसे 2-3 घंटे लगातार, तो ये फोन ज्यादा गर्म भी नहीं हुआ और गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। फोन की सेंसिटिविटी डिस्प्ले काफी ना अच्छा है, FPS ज्यादा खासे ड्रॉप नहीं होते और गेम खेलने में भाई काफी ना अच्छा और स्मूथ टाइप का फील होता है। अगर आप लोग गेमिंग के लिए इस फोन को लेना चाहते हो तो डेफिनेट ले सकते हो बिना सोचे समझे, भाई ये फोन गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और इस फोन के अंदर आपको मेकालूप लाइट देखने के लिए मिल जाती है, अगर आप जैसे इसके अंदर गेम खेलते हो गाने प्ले करते हो और फोन को चार्जिंग करते हो तो यहाँ पे ग्लो करती हो। इसके अंदर काफी ना इफेक्ट्स भी आप इसे चेंज भी कर सकते हो, काफी सारे एनिमेशन है, काफी सारी लाइट्स के एनी कलर भी है तो ये लाइट भी काफी ना अच्छी लगती है देखने में और काफी ना ब्यूटीफुल और एक यूनिक जैसा फ्यूचर देखने के लिए हमें मिल जाता है। और इस फोन के अंदर 108 MP का प्राइमरी कैमरा, 2 MP का माइक्रो, 2 MP का एक डेप्थ कैमरा देखने के लिए मिल जाता है और सेल्फी आपको 32 MP की देखने के लिए मिल जाती है। इसके प्राइमरी कैमरे से आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और इसके कैमरे के कुछ फोटोज वगैरह ये आप लोग देख सकते हो, ये जो मैंने इसके 108 MP से खींचे हुए हैं तो आप इनको देख सकते हो, जजेस कर सकते हो। और इसकी सेल्फी फोटो कुछ ये है जो कि हमने सेल्फी ली हुई तो आप इनको भी देख सकते हो। और आप इसके सेल्फी कैमरे से 2K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं ये एक गेमिंग फोन है, ये एक कैमरा फोन नहीं है, बट उसके हिसाब से भी इसके अंदर कैमरा काफी ना अच्छा दिया गया है। इसके फोटोज वगैरह ये है और इसके कैमरे के अंदर आपको सारे मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट और ब्लर वगैरह, मतलब सारे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और मुझे तो इसका कैमरा पसंद आया क्योंकि ये गेमिंग फोन है और मैंने जैसा बताया कैमरा फोन नहीं, उसके हिसाब से इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कैमरे दिए गए हैं और अच्छी खासी फोटोज निकालता है। और इस फोन के बारे में आपको एक और चीज बताता हूँ, जब आप इस फोन को सनलाइट में लेके जाओगे तो आप लोग देख सकते हो ये फोन ऑटोमेटिक ग्लो करने लगता है, इसके अंदर मतलब लाइटें वगैरह जलने लगती है। अब ये बैटरी से ना ये ऑटोमेटिक है, ये फोन का डिजाइन ही कुछ इस तरीके का बनाया गया है कि जैसे इस पर सनलाइट पड़ेगी ये थोड़ा मतलब ग्लो करता है। भाई ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, जब बाहर ले जाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। खाओ माँ कसम। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये फोन आपको 5G देखने के लिए मिल जाता है और 5G 40 ब्रांड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है तो अच्छा। और ये फोन गाइस ओवरऑल मैं कह रहा हूं गेमिंग के लिए अगर आप लोग लेना चाहते हो 25,000 रुपये के अंदर तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन है। इसके ऊपर मेरी और भी वीडियोस आने वाली, मैं BGMI टेस्ट, फ्री फायर टेस्ट बिल्कुल हल्का आपके सामने करके दिखाऊंगा 2-3 घंटे और मैंने जितना इस फोन को टेस्ट किया भाई ये फोन वन ऑफ द बेस्ट है गेमिंग के लिए। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो भाई इसको ले सकते हो, भाई गेमिंग के लिए मुझे ये फोन अच्छा लगा। और आपको इस फोन की कौन सी चीज़ अच्छी लगी कौन सी बेकार लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप लोग गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो तो भाई इस फोन को डेफिनेट ले सकते हो, कैमरा भी इस फोन का काफी ज्यादा अच्छा है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।